राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो वे मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर। ये कहानी ऐसी है जो आपको वही सीखने के लिए मजबूर कर देगी और बहुत अच्छी है और छोटी सी है, तो वही पूरी सुन लेना। एक व्यापारी था और भाई वो जो है बहुत मोटा सेठ था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, और एक ही लड़का था। और भाई सेठानी भी थी तो वो तो बहुत कई साल पहले जो है भाई वो भी भगवान को प्यारी हो चुकी थी, लेकिन बेटा तो एक था। कर तो उसकी शादी रखी थी, लेकिन बेटे में जो है ना भाई बुद्धि कम थी थोड़ी सी। और व्यापारी तो जो है भाई वैसे भी बुद्धि के बड़े तेज होते हैं, दो का चार कैसे करना है और उनको उनको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई उनकी तो बुद्धि इतनी तेज होती है कि वो चाहे जितना भाई पैसा कमा ले। लेकिन वो व्यापारी तो था, लेकिन उसके बेटे में थोड़ी सी बुद्धि कम थी। तो व्यापारी ने सोचा कि जब तक मैं हूँ तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भगवान ना करे कल को मेरे को कुछ हो जाए तो फिर मेरे बेटे का काम कैसे चलेगा, क्योंकि उसमें तो बुद्धि इतनी है नहीं। वो भाई मेरा जो व्यापार मैंने जो जमा रखा है उसको आगे वो कैसे बढ़ाएगा। तो भाई इसी टेंशन में जो है सेठ जी जो है भाई मेरे जो थोड़े गड़े गड़ा खराब सा हो रहा है तो इसी टेंशन में जो है, सॉरी उसके लिए आवाज़ थोड़ी पता नहीं कैसी आएगी आपको, भारी भारी सी, सॉरी उसके लिए भाई ठंड हो रही है ज़्यादा तो व्यापारी को जो अभी उसकी टेंशन थी, अब भी पता नहीं क्या होगा इसका, क्या होगा इसका। तो भी इसी टेंशन में जो है वो बीमार रहने लगे। और उन्होंने जब ये दिखाई दिया कि भाई मेरा अंत निश्चित है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई घटना दुर्घटना घट सकती है मेरे साथ, तो उसने जो है अपने बेटे को बुलाया अपने पास और बैठाया तो और बोला कि बेटा मैं जो है तेरे को चार सीख दूंगा और मेरी इन चार सीखों पर अमल करना, ताकि भाई आगे तेरा भी जीवन अच्छे से कटे, जो हमारा भाई कई पीढ़ियों से ये जो धंधा है हमारा ये चलता रहे। क्योंकि उसको पता था भाई इसके इतना ही समझ नहीं है इस धंधे की। तो उसने अपने बेटे को भाई पहली सीख उसको बताई कि बेटा आप जब भाई अपने काम पे अपनी दुकान पे जब भी आप जाओ घर से निकलो तो आप जो है छाया में जाना और छाया में आना। तो बोला ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात पे अमल करूँगा। पहली बात तो यही कि भाई छाया में जाना और छाया में आना, और दूसरी बात कि जब मैं गुजर जाऊं तो अपने घर के जो है चारों चारों तरफ आसपास जो है अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की एक चार दीवारी करवा देना। तो बोले ठीक है जी। और तीसरी बात, उख मीठा ही भोजन करना, मीठा ही भोजन करना रोज। तो बोला ठीक है जी। और चौथी बात कि अपनी पत्नी को जब भी आप पीटो, जब भी आप उसके साथ में मार पिटाई करो तो उसको बांध के तब करना। तो बोला ठीक है पिताजी, आपकी भी चारों बातों पर मैं अमल करूंगा। और भाई दो चार बात कह के और भाई सेठ जी के तो जो है प्राण निकल गए, भगवान को प्यारे हो गए। अभी कुछ दिन तक तो सेठ थे तो उनको भी कुछ जरूरत नहीं पड़ी, अगर भाई घर में किसी प्रकार की तंगी है और भाई उनको पैसे की जरूरत है, कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि भाई आप भी जो है भाई अपना व्यापार संभालो, बहुत दिन हो गए पिताजी को गुजरे हुए, भाई आप भी अपने व्यापार पे ध्यान दो। क्योंकि उसकी पत्नी को भी उसको पता था कि भाई मेरे पति में जो है थोड़ी बुद्धि कम है, वो दिमाग का जो है भाई उपयोग अच्छी तरह से नहीं करता, जो बढ़िया बुद्धि जो हो है उसमें मतलब इतनी बुद्धि नहीं है। तो उसने क्या किया, जहाँ भी उसने अपना ऑफिस बनाया घर से थोड़ी सी दूर, तो उसने जो घर से और ऑफिस तक जो है टीन डाल दी, मतलब शेड शेड डाल दी ऊपर तक, ऊपर सारे पे कवर करवा दिया घर से और ऑफिस तक, ताकि उसको धूप ना लगे, क्योंकि उसमें बुद्धि कम थी। वो अपने पिताजी की जो चार बातें उसके पिताजी ने जो उसको बताई थी उस पे जो है वो अमल नहीं कर पाया कि मेरे पिताजी की जो चार बातें बताई है उनका अर्थ क्या है, वो समझ नहीं पाया। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी गुणवान थी, उसमें थी बुद्धि, तो उसने भाई तब तो वो बोली नहीं क्योंकि उसको जरूरत नहीं लगी अकबे मैं कुछ बोलूं, क्योंकि बुद्धि कम थी तो वो मानता नहीं था बिल्कुल भी। तो उसने जो है भाई
पूरे में शेड डलवा ली ताकि वो धूप छाया में जाए और छाया में आए, पहली बात। दूसरी बात कि जो है भाई घर के चारों तरफ जो है उसने क्या किया कि भैंस की चमड़ी की और जो भी चार दीवारी करवा दी। तो भाई जो चमड़ा था ताज़ा था तो उससे बदबू तो आना लाजमी था, उसकी बदबू से चमड़े की बदबू से जो है पड़ोसी परेशान होगी। लेकिन भाई वो मानता नहीं किसी की भी, सबने कहा लेकिन वो मान्या नहीं। अब भाई क्यों माने, क्योंकि भाई उसके पिताजी कह के जा रहे हैं अकबर घर के आस चारों तरफ जो है चमड़े की भाई दीवार बनवानी है, ओट करवानी है मतलब, तो भी नहीं माने वो और उसने तो करवा दी। सारी पड़ोसी उससे नाराज हो गए। और तीसरी बात कि भाई मीठा ही खाना है, जब भी वो घर से मतलब ऑफिस से आए रात को काम करके छाया में, तो भाई आके और वो रोज मीठा बनवाए, कभी हलवा कभी खीर, कभी हलवा कभी खीर, मीठा ही खाए वो रोट, और किसी चीज़ का तो उसने नाम भी नहीं लिया। और चौथी बात एक दिन भाई किसी किसी बात पे उनका जो है भाई आपस में झगड़ा हो गया और उसने क्या किया, उसके अपने पिताजी की बात याद आ गई कि पत्नी को जब भी पीटो तो भाई उसको बांध के पीटना। उसने भाई गुस्सा आ गया, अपने पिताजी की बात याद आ गई, तो उसने क्या किया भाई अपनी पत्नी पे हाथ उठा दिया, मार पिटाई करने लगा। लेकिन तभी उसको याद आई कि पत्नी को जो है बांध के पीटना है, तो भाई उसने रस्सा उठाया और अपनी पत्नी को बांध दिया और उसको बहुत ज़्यादा पीटा, बहुत ज़्यादा उसके साथ मारपीट की और भाई उसको बिल्कुल मार मार के नीला कर दिया उसको। जब उसकी पत्नी की पिटाई हुई तो उसने भाई याद आई अपने ससुर जी की कही बात, तो वो बोली आप रुक जाओ और मैं आपको बताती हूँ कि आपके पिताजी ने जो आपको चार सीख दी थी उनका अर्थ क्या है। तो बोला भाई एकदम से उसकी भी आंखें खुल गई, भाई ये क्या बोल रही है। तो बोला ठीक है बता। तो उसने बताया कि आपकी पिताजी की पहली बात का अर्थ ये है कि छाया में जाओ और छाया में आओ, मतलब ये कि भाई सुबह जल्दी उठो, अपना भाई जो आपका काम है सुबह का वो करो और भाई ऑफिस जाओ और भाई पूरा दिन अपने अच्छे से मेहनत करो, अपना काम धंधा अच्छे से संभालो और शाम को वापिस आओ, काम कुम करके अपना शाम को वापिस आओ। इसका मतलब ये है कि भाई छाया में जाओ, छाया मतलब सुबह जाओ और शाम को आओ। तो बोला ठीक है। दूसरी बात तो उनका मतलब दूसरी बात का ये था कि भाई चमड़े की दीवार करवानी है, इसका मतलब ये था कि भाई अपने घर की जो है चार दीवारी करवा दो ताकि भाई किसी बाहर वाले की कोई नज़र ना पड़े, कोई गलत नज़र ना डाले, कोई चोर उचक के डाकू सांस चढ़ रहे भाई घर में प्रवेश ना करे। दूसरी बात का मतलब ये है। तीसरी बात का ये अर्थ ये है कि भाई मीठा ही खाना है, मतलब ये कि आपको भूख लगे तभी खाना है, क्योंकि अगर आपको भूख नहीं लगी होगी तो भाई आप खाना भी अच्छे से नहीं खा पाओगे। चाहे आपके आगे कितना ही अच्छा खाना रख दो, मीठे पकवान भाई कुछ भी रख दो आप अच्छे से, अगर आपको भूख नहीं लगी तो आप नहीं खा पाओगे, थोड़ा सा चखोगे भाई नहीं खा पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको भूख लगे तभी खाना खाना। और चौथी बात कि भाई पत्नी को बांध के पीटना, तो इसका मतलब ये है कि भाई जब पत्नी जो है जब उसके बच्चे हो जाए तब वो बंध जाती है, बच्चे ना हो तब तक वो आज़ाद है। भाई आपकी कुछ बात हो जाए तो वो आपको छोड़कर भी जा सकती है, लेकिन जब बच्चे हो जाए तो भाई आप वो कहीं नहीं जाएगी, वो अपना घर समझेगी, अपनी जिम्मेवारी निभाएगी। तो भाई चौथी बात कहने का मतलब यही था कि बांध के पीटने का मतलब ये है कि भाई जब वो बाल बच्चेदार हो जाए तब आपको भाई कुछ बात हो जाए तो आप बात कर सकते हो, मतलब मारने पीटने की कोई बात नहीं है। ये तो भाई कहावतें थी जो भाई मैंने आपको बताई है, आप ऐसा कुछ ना करे कभी अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करे, कुछ बात हो भी जाए तभी बैठ के आप बात करिए और समझाइए आप एक दूसरे को। सांस चढ़ रहे हैं भाई, कई दिन हो गए कहानी सुनाए तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा भाई, कई दिन हो गए और छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। जय माता दी।